Myself Anil Kumar, I am going to teach the third chapter of Indian Constitution. Students, third chapter है election and representation. Students, आपने election के बारे में तो सुना ही होगा. इंडिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे इलेक्शन होते रहते हैं. अभी जयपुर में भी नगर निगम के इलेक्शन हुए थे, तो आपके पेरेंट्स ने उसमें पार्ट लिया होगा. और आप हमेशा देखते रहते हैं कि कभी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ये सब इलेक्शन का रिजल्ट होता है. जब इलेक्शन होते हैं तब उसके बाद में नई गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये तो सब आपको पता ही होगा. लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे इस लेसन के अंदर हम आपको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में और उनके मेथड्स के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के अंदर. यस स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी. ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर द सिटीजंस डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन द रनिंग ऑफ गवर्नमेंट. द एंशिएंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस वर कंसीडर्ड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. यस स्टूडेंट्स, किसी जमाने में डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करती थी, खासकर ग्रीस जैसे कंट्री के अंदर. वहां पॉपुलेशन बहुत कम थी और लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे. डायरेक्ट जाके एक प्लेस होती थी, पॉलिटिकल प्लेस जैसे पार्लियामेंट होती है, वहां जाके बैठा करते थे, अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाया करते थे. लेकिन ये बहुत पुरानी बात हो गई है, बहुत सेंचुरीज पुरानी हो गई है. आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर या बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जिसमें लोग डायरेक्ट कभी भी डेमोक्रेसी में पार्ट नहीं ले सकते. लेकिन आज हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट चलाते हैं. तो हम ये था डायरेक्ट डेमोक्रेसी. यस सेकंड पॉइंट है, बट टुडे सिटीजंस चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्टली इन डेमोक्रेसी बाय इलेक्शन प्रोसेस. द सिटीजंस हैव अ लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजंस एंड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज. सिटीजंस आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. इन दिस अरेंजमेंट where all major decisions are taken by elected representatives. Yes, students, आजकल जो election process है, उस election process के अंदर citizens जो हैं, वो indirectly part करते हैं और उनके representatives वो ही government बनाते हैं, वो ही सारे decision making करते हैं, सारी policies बनाते हैं, सारे day-to-day administration work वो ही करते हैं और citizens का इसमें direct role नहीं होता है. लेकिन students, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एमएलए हैं, एमपीज हैं, जिनको लोग वोट देके इलेक्ट करते हैं और वो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं. जैसे स्टेट के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो हम सेंट्रल के अंदर जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो स्टूडेंट्स, हम उनको इलेक्ट करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं और वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं और उसके बाद में गवर्नमेंट को चलाते हैं. लेकिन उनको इलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्शन प्रोसेस. यस स्टूडेंट्स, यस. अब है नेक्स्ट पॉइंट. स्टूडेंट्स, अपने इंडिया के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी FPTP. अब ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. इन अवर कंट्री वी फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन. The entire country is divided into 553 constituencies. Each constituency elects one representative. The candidate who secured the highest numbers of votes in that constituency is declared elected. In this system, however, has more votes than all other candidates is declared elected. The winning candidate need not secure a majority of the votes. This method is called the FPTP. Yes, student. अपना जो इंडिया है, खासकर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट की. पार्लियामेंट में जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्ट होता है एमपी, जिसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो स्टूडेंट्स, जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विनिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है. ऐसे ही हमारे राजस्थान के अंदर, हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर 200 एमएलएस की सीट है तो पूरे राजस्थान को 200 एमएलएस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और जिस सीट से सबसे ज्यादा जिस मेंबर को, जिस पार्टी के मेंबर को
ज्यादा वोट मिलते हैं, जाहिर सी बात है उसको विनिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो जीत जाता है, और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। तो बड़ा सिंपल सा है अपना एफपीटीपी सिस्टम जो हम एडॉप्ट कर रहे हैं। और ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक ही मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, उससे ज्यादा को इलेक्ट नहीं किया जाता। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उसको ही विनिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन है, वोट चाहे कितने भी मिले, चाहे एक वोट से ही कोई जीते उसको जीता मान लिया जाता है। मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी के दो कैंडिडेट खड़े हुए, बीजेपी वाले कैंडिडेट को 455 सीट्स मिली और कांग्रेस वाले को 454, तो एक वोट से भी वो जीता हुआ मान लिया जाएगा। अब इंडिया के अंदर एक चीज ये भी है कि वोटिंग का जो परसेंटेज होता है वो भी कई बार ज्यादा नहीं होता, यानी उस एरिया के अंदर जितने वोटर्स होते हैं सारे वोट देने के लिए नहीं जाते, लेकिन जितने भी वोट देने के लिए जाते हैं उनमें से उनके वोट्स में से जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीता हुआ मान लिया जाता है। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर हम एक मॉनिटर का इलेक्शन करवाते हैं, ए और बी, आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने मॉनिटर के लिए मॉनिटर बनाने के लिए दो स्टूडेंट्स को चूज किया, एक स्टूडेंट का नाम ए है दूसरे स्टूडेंट का नाम बी है। अब एक स्टूडेंट को 40 में से 23 वोट्स मिल गए तो वो जीता हुआ मान लिया जाएगा, और दूसरे को मिले 17 वोट, यानी वो उससे कम उसको वोट मिले हैं, तो जो जिसको 23 वोट्स मिले वो जीत गया और उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं लेकिन जिस दिन वोट हुए उस दिन 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ने वोट दिए, उन 30 में से जो एक कैंडिडेट था उसको 20 वोट्स मिले और दूसरे बी कैंडिडेट को 10 वोट्स मिले, तो जिसको 20 मिले वो जीत गया। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि कितने वोट डाले जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग वोट दे रहे हैं, बस जो भी लोग वोट दे रहे हैं उसमें से जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम सीट्स मिलती है वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है और उस पार्टी को भी जीता हुआ मान लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि सेंट्रल के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टूडेंट्स बीजेपी की गवर्नमेंट इसलिए कि उसको मैक्सिमम सीट्स मिली है और मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली है, इसीलिए वो जीती भी मान ली जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एफएटीपी सिस्टम है, लेकिन एक और सिस्टम है जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, स्टूडेंट्स ये सिस्टम अपनी कंट्री के अंदर नहीं है, ये सिस्टम है इजराइल और नीदरलैंड के अंदर। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वंस द वोट्स आर काउंटेड ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स शेयर ऑफ वोट्स, दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाइक इजराइल एंड नीदरलैंड। यस स्टूडेंट्स होता यह है कि मान लीजिए कि उस कंट्री के अंदर जितने वोट पड़े तो जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले उतने ही परसेंट उसको सीट मिली जाएगी। मान लीजिए एक तीन पार्टियां खड़ी हुई, एक पार्टी को 50% वोट मिले, 50% वोट मिले और उस जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 120 सीट्स डिसाइड की गई है, तो 120 में से 50% इसका मतलब हो गया 50% सीट उसको मिलेगी, तो 60 सीट्स उसको मिलेगी, वो सबसे बड़ी पार्टी है, जितने परसेंट वोट उतने ही परसेंट सीट। तो ये नीदरलैंड और ये इजराइल का सिस्टम है और ये ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, दुनिया के कुछ गिने चुने एक दो देशों के अंदर ही है, अदरवाइज नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स ये जो सिस्टम है पीआर ये सिर्फ राज्यसभा के अंदर होता है। अब राज्यसभा के अंदर ये पीआर सिस्टम कैसे होता है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स राज्यसभा के अंदर फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, राजस्थान में 200 एमएलए हैं और राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा है, राज्यसभा के 4 मेंबर्स को राजस्थान से इलेक्ट किया जाता है और ये इनडायरेक्टली होता है, यानी पब्लिक डायरेक्ट इसमें वोटिंग नहीं करती, तो 200 जो एमएलए हैं वो भी इलेक्ट करते हैं और उसका एक कोटा होता है, एक उसका प्रोसेस होता है और उसके बाद में जिस मेंबर को मैक्सिमम कोटा मिलता है वैल्यू ऑफ सीट्स मिलती है वो डिक्लेयर हो जाता है विनिंग। तो इंडिया के अंदर ये पीआर सिस्टम सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए है
और उनको भी इलेक्ट कौन करता है, सिर्फ एमएलए लोग ही इलेक्ट कर लिया करते हैं। तो हर स्टेट के अंदर राज्यसभा के मेंबर्स की अलग अलग सीट्स है, तो पीआर सिस्टम का यूज इंडिया में सिर्फ राज्यसभा के लिए ही होता है। अब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम का डिफरेंस। यस, फर्स्ट डिफरेंस, द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। यानी इंडिया का जो एफपीटीपी सिस्टम है उसके अंदर पूरी कंट्री को एक ज्योग्राफिकल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। लेकिन पीआर सिस्टम, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इज डिमार्केटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द एंटायर कंट्री मे बी ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। पूरे कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है पीआर सिस्टम में। अब एफपीटीपी का दूसरा डिफरेंस, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव को जीता हुआ माना जाता है, लेकिन पीआर सिस्टम में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा भी इलेक्ट हो सकते हैं। वोटर्स वोट फॉर कैंडिडेट, इंडिया के अंदर जो वोट वोट देता है वो कैंडिडेट के लिए वोट देता है, लेकिन पीआर सिस्टम के अंदर वोटर वोट्स फॉर द पार्टी, यानी उन वोटर्स को तो कई बार ये पता ही नहीं होता कि कौन सा कैंडिडेट जीत के आएगा, सिर्फ पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले उतने ही परसेंट सीट मिलती है। तो पीआर सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर पॉपुलर नहीं है, भी नहीं है सिस्टम, ये एक दो कंट्रीज के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ए पार्टी में गेट्स मोर सीट्स इन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, यानी अपने जो इंडिया के अंदर जो एफपीटीपी सिस्टम है उसमें पार्टी को सीट्स मिलती है जितनी उसको चाहिए जीतने के लिए, उसी को विनिंग माना जाता है। एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट। अब पीआर सिस्टम में जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिलते हैं उतने परसेंटेज ऑफ सीट मिलती है। यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डिफरेंस, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन में गेट नॉट मेजोरिटी। इंडिया के अंदर जो भी जीतता है उसको मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, उसको मैक्सिमम वोट्स मिलने चाहिए। कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स, इजराइल एंड नीदरलैंड। तो स्टूडेंट पीआर सिस्टम नीदरलैंड और इजराइल के अंदर है, और फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं, पीआर सिस्टम का मतलब होता है कि जिस पार्टी को जितने परसेंट सीट मिलती है, सॉरी जितने परसेंट वोट मिलते हैं उतने परसेंट ही सीट मिलती है, और इंडिया के अंदर जो कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो ही इलेक्टेड विन माना जाता है, यानी उसको ही जीता हुआ मान लिया जाता है। तो इंडिया का सिस्टम बड़ा इजी है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो कैंडिडेट जीत जाएगा, और जिस पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट जीतेंगे वो पार्टी जीती हुई मान ली जाएगी। जैसे राजस्थान के अंदर इस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट, और जाहिर सी बात है कांग्रेस के एमएलए ज्यादा है, उन्होंने अपने अपने एरिया के अंदर ज्यादा वोट्स मिले थे और वो जीत गए। तो इसी तरह इंडिया का ये सिस्टम है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर यही सिस्टम है एक दो कंट्री को छोड़ के। तो ये बहुत इजी सिस्टम है पीआर सिस्टम के मुकाबले एफपीटीपी। पीआर सिस्टम में पार्टीज खड़ी होती है, लोगों को सिर्फ पता होता है कि ये पार्टी है, और जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलते हैं उतने परसेंट ही उनको सीट अलॉट की जाती है पार्लियामेंट के अंदर। यस स्टूडेंट, यस। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम। अब इंडिया का जो एफपीटीपी सिस्टम है उसको हमने क्यों अडॉप्ट किया है, हमने पीआर सिस्टम को अडॉप्ट क्यों नहीं किया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को हमने अडॉप्ट क्यों नहीं किया, तो हम बात करेंगे हमने एफपीटीपी को क्यों अलॉट किया है। यस, फर्स्ट पॉइंट, द रीजन फॉर द पॉपुलरिटी एंड द सक्सेस ऑफ एफपीटीपी सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी। द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोट्स एंड हु मे हैव नॉट स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। यस स्टूडेंट, सबसे बड़ा रीजन है कि ये पॉपुलरिटी का, एफपीटीपी का, ये बहुत सिंपल है, और इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको एक कॉमन वोटर भी इजीली समझ सकता है, जिसको कोई पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, जिसको इलेक्शन की नॉलेज नहीं है, वो भी एफपीटीपी सिस्टम को समझ सकता है। स्टूडेंट आजकल तो बहुत इजी हो गया है, किसी जमाने में तो एक पेपर के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर वोट रखते थे, आजकल तो मशीन होने लग गई, उसके अंदर सीधा सीधा कैंडिडेट्स के नेम होते हैं और उनका सामने उनका सिंबल होता है और बटन दबाना होता है बस सीधा सा, तो ये बहुत इजी प्रोसेस हो गया। यस, देयर इज आल्सो ए क्लियर चॉइस रिप्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। वोटर्स में अदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी और द कैंडिडेट और बैलेंस द
टू। यस स्टूडेंट्स, एफपीटीसीपी सिस्टम के अंदर हमारे सामने एक चॉइस होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी अपने कैंडिडेट को पसंद करते हैं। मान लीजिए आपके एरिया से कोई खड़े हो रहे हैं, जैसे वसुंधरा राजे खड़े हो रही हैं या श्री अशोक गहलोत खड़े हो रहे हैं, तो आप उनको पसंद करते हैं, उनको वोट दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी को पसंद करते हैं, यानी चाहे कोई भी खड़ा हो जाओ उनको पार्टी से मतलब है, वो उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो इंडिया के अंदर ये वोटर्स के पास में एक चॉइस होती है कि आप अपने कैंडिडेट को वोट दोगे या किसी अपनी जो पसंदीदा पार्टी है उसको वोट दोगे। तो आपके पास में ये चॉइस होता है। द एफपीटीपी सिस्टम ऑफर्स वोटर्स ए चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट। एफपीटीपी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो कैंडिडेट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पार्टी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। यस इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक द एफपीटीपी द वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज एंड कैन होल्ड हिम और हर अकाउंटेबल। यस सबसे बड़ी बात है एफपीटीपी के अंदर जो लोग अपने एरिया में अपने कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं और जो जीतता है वो अपने एरिया के लिए अकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजवर्धन सिंह राठौड़, अगर मान लीजिए हमारे झोटवाड़ा से यहाँ के एमपी हैं तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल होंगे। पीएम मोदी को इतना टाइम नहीं है कि वो आके हमारे झोटवाड़ा एरिया के अंदर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे। तो जो पर्टिकुलर एमपी या एमएलए जिस एरिया से इलेक्ट होता है उसको लोग जानते भी हैं और वो अपने एरिया के लिए अकाउंटेबल और जिम्मेदार भी होता है। तो ये बहुत इजी सिस्टम है एफपीटीपी। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट, फाइनली द एफपीटीपी सिस्टम इनकरेज वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन ए लोकेलिटी। यस एफपीटीपी सिस्टम के अंदर सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं जिनको मौका मिलता है चुनाव लड़ने के लिए और वो लोग सोसाइटी के अंदर आगे आते हैं। बहुत से एरिया के अंदर अब तो रिजर्वेशन सिस्टम भी हो गया है, जिसको हम आपके पढ़ाएंगे। एसटीएससी कैंडिडेट को भी अब किस अलग अलग सीट रिजर्व कर दी जाती है और हर पार्टी एसटीएससी की रिजर्वेशन देती है और लोग उसी को इलेक्ट करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर जितने भी जो कम्युनिटीज हैं, जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, सबको इलेक्शन में पार्ट लेने का मौका मिलता है इंडिया के अंदर। तो एफपीटीपी सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, सभी को मौका मिलता है, सोसाइटी के सभी ग्रुप्स को। अब हम रिजर्वेशन पढ़ेंगे। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस डिफिकल्टी एंड नीड टू प्रोवाइड अ वे टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स। यस स्टूडेंट्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये पता था या वो सोचते थे कि सोसाइटी के अंदर सबको मौका मिलना चाहिए फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द ऑप्रेस सोशल ग्रुप्स, यानी जो आप सोसाइटी के अंदर जो बैकवर्ड है, जो दलित लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। तो इसीलिए अब रिजर्वेशन सिस्टम कर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर एससी एंड एसटी। अब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज के अंदर एमएलए और एमपी के अंदर उनकी सीट्स रिजर्व कर दी गई है। यानी इस पर्टिकुलर एरिया से एसटी के ही लोग खड़े होंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। मान लीजिए कोई एरिया है, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां से चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपने कैंडिडेट एसटी वाले कैंडिडेट को ही टिकट देगी और उसी को लोग वोट देके इलेक्ट करेंगे। तो अब ये बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है। द नंबर्स ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स इज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और 543 इलेक्टेड सीट्स इन द लोकसभा, 84 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटी। यस स्टूडेंट्स, अपने इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शन होते हैं, जिसमें हम लोग एमपीज को वोट देते हैं, उनके अंदर रिजर्वेशन है और 543 में से 84 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। एससी के लिए 84 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर 84 जो एमपीज हैं वो एससी कास्ट के आते हैं और 47 एसटी कास्ट के। तो इस तरह से दलित जो आप समाज है, जो वीकर सेक्शन है, जो ऑप्रेस ग्रुप है, उन लोगों को भी पार्लियामेंट के अंदर
एक तरह से पार्ट लेने का मौका मिलता है पॉलिटिक्स के अंदर, और वो भी जीत के आते हैं और डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाते हैं। इसी को एक ट्रू डेमोक्रेसी माना जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब सीधा सीधा सा स्टूडेंट्स, द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो रूल ऑफ पीपल कैसे होगा, जब सभी लोगों को मौका मिलेगा और सभी लोग आगे आ पाएंगे। एक जमाना था जब सिर्फ जनरल कास्ट के लोग ही सबसे आगे होते थे समाज में, और जो वीकर सेक्शन था उसको कोई राइट्स नहीं थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में, रिजर्वेशन मिलने के बाद में, एसटी एससी के लोग भी इलेक्शन लड़के जीतने लग गए, पार्लियामेंट में वो भी आगे आने लग गए। अब डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व। अब ये डिसाइड कौन करता है कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होगी, या यहाँ से एसटी का कैंडिडेट ही खड़ा होगा, या इस पार्टी को एससी कैंडिडेट को ही खड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो सीट रिजर्व सीट है, ये कौन सा डिपार्टमेंट डिसाइड करता है रिजर्व सीट्स के बारे में, ये डिलिमिटेशन कमीशन ये डिसाइड करता है। द कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एससी एसटी इन द स्टेट। यानी हर स्टेट के अंदर जितनी पॉपुलेशन एससी और एसटी की होती है, उसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उस स्टेट को एससी एसटी का कोटा मिलता है कि यहां से इतने कैंडिडेट एमपी खड़े होंगे। यस, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अब एसटी एससी को भी एमपी और एमएलए के इलेक्शंस के अंदर रिजर्वेशन मिला हुआ है, और हर पार्टी को उनको टिकट देना पड़ेगा और लोग उनको वोट देके इलेक्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन। व्हाट इज मीन बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन? द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। इफ वी वॉन्ट डेमोक्रेसी टू बी translated into reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent. Yes student, किसी भी election system जब तक free और fair नहीं होगा, जब तक democracy successful नहीं हो सकती। तो इसीलिए free और fair का मतलब होता है कि सबको मौका मिले, बहुत impartial हो election, बहुत easy हो, और कोई भी आदमी बिना डर के आसानी से वोट दे सके। स्टूडेंट्स, अपने इंडिया में राइट टू वोट है, ये एक पॉलिटिकल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन का हो, सबको वोट देने का राइट है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। यस स्टूडेंट्स, आपने बचपन से यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पढ़ा होगा, अबाउट द एज ऑफ 18 ईयर्स वी हैव राइट टू वोट, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। All adult citizens of the country must be eligible to vote in the election. This is known as universal adult franchise. जितने भी adult हैं, यानी 18 years की जो age हो चुके हैं, male और female, उनको vote देने का right होता है। In amendment to the constitution in 1989, reduced the eligibility age of 18. Adult franchise ensured that all citizens are able to participate in the process of selecting their representatives. Yes, students. 1989 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके पहले जो एज थी वो थी 21 इयर्स, लेकिन 1989 में अमेंडमेंट करके जो एलिजिबिलिटी जो एज कर दी वोट देने की वो 18 इयर्स कर दी। तो 18 इयर्स के जो भी सिटीजंस हैं, मेल फीमेल, वो वोट दे सकते हैं। यस, अब ऑल सिटीजंस हैव राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हाउएवर, दे आर डिफरेंट मिनिमम एज required for constituting election. For example, in order to stand of Lok Sabha or Assembly elections, a candidate must be at least 25 years old. Yes, students, ये तो बात थी वोट देने की। अब आप इलेक्शन में भी पार्ट ले सकते हो। अब उसके अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। अगर आप लोकसभा के अंदर या असेंबली इलेक्शन के अंदर पार्ट लेना चाहते हो, या खड़े होना चाहते हो किसी भी पार्टी से, या निर्दलीय खड़े होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो आपको 25 इयर्स आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए, तो आप इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हो, और 18 इयर्स की एज चाहिए हमको वोट देने के लिए। अब है सीईसी। यस स्टूडेंट, अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है, हम कैसे वोट देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात है, ये इलेक्शन करवाता कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये ऑफिसर होते हैं। चीफ, ये जो इलेक्शन कमीशन अपना डिपार्टमेंट है, वो पूरे कंट्री के अंदर इलेक्शन करवाता है, और इनके जो ऑफिसर्स होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है, तो इनको बोलते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन।
Yes, the chief election commissioner and the two election commissioner have equal power to take all the decision related to election as a collectively body. They are appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers. The Constitution ensures the security of the tenure of CEC and Election Commission. They are appointed for a 6-year term or continue till the age of 65, whichever is earlier. Yes, student, अपने इंडिया के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और टू अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो टोटल 3 टॉप ऑफिसर्स होते हैं जो पूरे इंडिया के अंदर इलेक्शन की जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को। तो इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर इनको अपॉइंट किया जाता है, या मिनिस्टर्स के एडवाइस पे इनको अपॉइंट किया जाता है। और उनकी जो एज है, उनकी एज है 65 इयर्स तक, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एज है 65 इयर्स, और वैसे इनका जो टाइम है वो है 6 इयर्स, यानी जो पहले हो जाए, या तो 6 इयर्स टाइम पहले हो जाए या 65 इयर्स की एज हो जाए, जो पहले हो जाए वो मान ली जाएगी। तो 6 इयर इनका टेन्योर टाइम है इलेक्शन कमिश्नर्स का, और एज है 65 इयर्स की एज तक ये इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। अब फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस स्टूडेंट्स, अब फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन जो डिपार्टमेंट है उसके क्या क्या काम होते हैं वो हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इट सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट। इट मेक्स एवरी एफर्ट टू इंश्योर दैट द वोटर लिस्ट इज फ्री ऑफ एरर, लाइक नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ द नेम्स ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स और एक्सिस्टेंस ऑफ द नेम ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स और एक्सिस्टेंस ऑफ द नेम ऑफ दोस नॉन एलिजिबल और नॉन एक्सचेंज। यानी सबसे बड़ा जो काम होता है इलेक्शन कमीशन का वो होता है वोटर लिस्ट को अप टू डेट करना, यानी टाइम टू टाइम वोटर लिस्ट को अपडेट करना, जो लोग अभी अभी 18 इयर्स के हुए हैं उनके नेम को ऐड करना, या जो गलती से जिन लोगों का, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना, या गलत जिन लोगों का नाम ऐड हो गया किसी दूसरे एरिया के अंदर, या कभी कभी क्या होता है दो दो एरिया के अंदर एक वोटर एक का वोटर्स का नेम होता है, तो ये सारी बहुत सारे ऐसे काम है, वोटर लिस्ट बनाना, वोटर आईडी बनाना, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट के होते हैं। जब भी आप वोट देने के लिए जाओगे स्टूडेंट्स, जब आप 18 इयर्स को जाओगे तो आपका भी एक वोटर आईडी बनेगा और आपको वो दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको वोट देने की परमिशन मिलेगी। तो ये आपकी जो वोटर लिस्ट है ये बनाती कौन है? इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स बनाते हैं, और उसके बाद में आपको वोटर का एक सर्टिफिकेट देते हैं। यस, इट ऑल्सो डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल। द इलेक्शन शेड्यूल इज इंक्लूड द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन डेट फ्रॉम फिलिंग नॉमिनेशन, लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल, डेट ऑफ पोलिंग काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यस स्टूडेंट्स, जब इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। फॉर्म भरने की, नाम वापस लेने की, काउंटिंग की डेट, डिक्लेरेशन की डेट और पोलिंग की डेट, यानी सारी डेट्स जो होती है वो यही डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। जब भी इलेक्शन होता है तो स्टूडेंट सबसे पहले हर पार्टी अलग अलग कैंडिडेट को टिकट देती है, फिर उसके बाद में वो इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने की, अपना नाम वापस लेने की, अगर आप चाहे तो एक टाइम होता है उसके पहले आप अपना नाम वापस ले सकते हैं, और उसके बाद में फिर उसके बाद में जब सारे फॉर्म भर जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन फिर एक डेट डिसाइड करता है पोलिंग की, यानी इस दिन इस एरिया के अंदर पोलिंग यानी वोटिंग होगी। फिर उसके बाद में कब काउंटिंग होगी उसकी डेट भी डिसाइड करता है, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा वो डिसाइड करता है। तो इस तरह से ये सारे काम इलेक्शन कमीशन करता है। यस स्टूडेंट, ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू टेक डिसीजन टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर पोल। It can postpone or cancel the elections in the entire country or a specific state or constituencies on the ground that its atmosphere is vitiated and therefore a free and fair election may not be possible. The commission also implements a model code of conduct for parties and candidates. Yes, student. Election commission को इतना power है कि किसी area के अंदर free और fair election कराने की जिम्मेदारी इनकी है। अगर किसी part के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर चाहे तो इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर कोई बेईमानी हुई है या कोई ऐसा गलत पोलिंग प्रैक्टिस देखने को मिली है तो वहां पे भी इसको कैंसिल कर दिया जाता है।
तो इस और ऊपर से एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है इलेक्शन कमीशन ने, जिसको हर पार्टी के कैंडिडेट को और पार्टी को मानना पड़ता है। द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल ऑफ ईच ऑफ देम। यस स्टूडेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ही सिंबल देता है। जैसे आपको पता है कि बीजेपी का लोटस कमल है और कांग्रेस का हाथ है, तो इस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी का एलिफेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको पार्टी के सिंबल्स तो पता होंगे। तो हर पार्टी को सिंबल कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको भी यही सिंबल प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि जब पार्टी के नेम लिखा हुआ है, पार्टी के कैंडिडेट का नेम लिखा हुआ है, तो ये सिंबल क्यों अलॉट किए जाते हैं? स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर अभी भी बहुत से लोग हैं जो लिटरेट नहीं है, तो उन लोगों को पार्टी के सिर्फ सिंबल का पता होता है। जैसे मान लीजिए किसी को अगर बीजेपी को वोट देना है, तो अगर वो पढ़ नहीं सकता तो वो सिर्फ कमल को देख के ही बटन दबा देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कांग्रेस को वोट देना चाहता है और वो कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ सकता, पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो हाथ को देख के, उस सिंबल को देख के उसके आगे बटन दबा सकता है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। अब है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, यानी हमारे इलेक्शन के अंदर बहुत सी चीजें हैं लेकिन कुछ कमियां भी है और उनको हमको रिफॉर्म करना जरूरी है। यस स्टूडेंट, देयर शुड बी ए स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। यस स्टूडेंट्स, अभी भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वुमेन्स को हमारे कंट्री के अंदर अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। बहुत समय से पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन और 1/3 रिजर्वेशन के लिए डिमांड हो रही है, तो उनको भी 1/3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यस स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ए स्पेशल फंड। यानी एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन होना चाहिए कि मनी का मिसयूज करना, यानी इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट बहुत मनी का यूज करते हैं और उसके बाद में वो जो वोटर्स हैं उनको खरीद लेते हैं, पैसा देके खरीदते हैं और उस मनी का मिसयूज करते हैं। तो इसको भी रोकना चाहिए और ऊपर से गवर्नमेंट को एक फंड बनाना चाहिए और हर कैंडिडेट को जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको कुछ फंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। कैंडिडेट विथ एनी क्रिमिनल केस शुड बी बैन फ्रॉम कॉन्स्टेंटिंग इलेक्शन। यानी जो कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड का है या जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है उसके ऊपर बैन लगना चाहिए और उसको इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील इन द कैंपेन। यस स्टूडेंट, साथ में ये भी रिफॉर्म आना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पे कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर स्टेट के अंदर जो अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं उनको वोट बैंक बना रखा है। ये वर्ड सुना होगा आपने, वोट बैंक। वोट बैंक का मतलब यही होता है कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका रीजन क्या है? हमारे पॉलिटिकल पार्टीज किसी एरिया में जाती है तो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, कास्ट के नाम पे वोट मांगती है, इवन किसी एरिया के अंदर किसी कैंडिडेट को टिकट भी देती है तो उसी कास्ट वाले को टिकट देती है जिस कास्ट के लोग उस एरिया के अंदर ज्यादा है, और एक सेंटिमेंटल अपील करती है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर है, आपने इसको समझा होगा। और हम आपको जब लाइव क्लासेस होंगे स्टूडेंट्स तो आपको हम और डिटेल के अंदर इसको समझाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, दूसरा पॉइंट था फर्स्ट पास द पोस्ट, थर्ड पॉइंट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ था डिफरेंस बिटवीन एफवीटीपी एंड पीआर, नेक्स्ट पॉइंट था व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफवीटीपी सिस्टम, फिर उसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्ट्रोल रिफॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था, इसके क्वेश्चंस हम पीडीएफ फाइल बना के स्टडी बेस पे आपको डाल देंगे। ओके, थैंक्स।